कोरोना वैश्विक महामारी से जहां पूरा विश्व प्रभावित है, वहीं कई विभागों व बोर्डों के कार्य भी कोरोना की वजह से लेट हुए हैं। बात करें विद्युत बोर्ड की तो जिला कांगड़ा में ही 33/11 केवी के 5 सबस्टेशनों का कार्य कोरोना के चलते 8 माह लेट हो गया है। ऐसे में उक्त सबस्टेशनों का जो कार्य अप्रैल में पूरा होना था, उसके अब दिसंबर माह में पूरा होने की संभावना है। वहीं विद्युत बोर्ड ने मानसून को लेकर तैयारियां पूरी करते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार केंद्र प्रायोजित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत रूरल एरिया में विद्युत सब स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत जिला कांगड़ा के राजौल, टांडा, पपरोला, ठेरा और कोठिया में 5 सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इन सब स्टेशनों के निर्माण के लिए विद्युत बोर्ड की ओर से 31.71 करोड़ रुपए की DPR तैयार की गई थी, जिसके तहत एक कंपनी को कार्य अवार्ड दिया गया है। विद्युत बोर्ड की ओर से इन सब स्टेशनों का निर्माण कार्य अप्रैल माह तक पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से लेबर की कमी के चलते इनके निर्माण में विलम्ब हुआ है। विद्युत बोर्ड प्रबंधन की माने तो कोरोना की वजह से हुई देरी के चलते अब इन सब स्टेशनों का निर्माण दिसम्बर माह तक पूरा होने की संभावना है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत शहरी क्षेत्रों में बेहतर विद्युत व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत धर्मशाला, नगरोटा, बागवां, कांगड़ा, पालमपुर, देहरा शहरों को चयनित किया गया है। जिला कांगड़ा में DDUGJY के तहत 5 सब स्टेशनों का निर्माण कार्य कोरोना की वजह से लेट हुआ है। हाँ जी, उसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में DDUGJY जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 533/11 के वी के सब स्टेशन जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, उनका काम जो है चला हुआ है। उनका अगर मैं नाम अगर बताना चाहूँ, पालमपुर, टांडा एट पालमपुर है और पपरोला में है, यहाँ पे है कोठिया में है, मझीन में है, वो दूसरी जोन के अंडर आता है, और ठेड़ा ये सब स्टेशन है, इनका काम चला हुआ है। और पीर पंचाल फर्म है, इसको अवार्डेड है हमारे HPCB के हेड ऑफिस से, चीफ इंजीनियर से। इसमें एक्चुअली कोई 30-35% काम इसका जो अभी कंप्लीट हुआ है, और शेष कार्य के लिए अब पूरे जोर शोर से हमने कंपनी के ऊपर हमने अपना प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। कंपनी की तरफ से भी कुछ कई बार शॉर्ट कमीज होती हैं, वो हमने उनको जो डाला है उसको पूरी करके उसको हम दिसंबर से पहले इसको खत्म करने की कोशिश। हाँ, कोविड-19 का इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो लेबर है, लेबर जो डिसंगेज हो गई, और लेबर डिसंगेज होने से इनकी सैंकड़ों में जो लेबर इन्होंने एंगेज की होती है, वो स्किल लेबर होती है, वो लाइनों के साथ जो यूज्ड होते हैं बंदे, वो लाइन के ऊपर एक्सपर्ट होते हैं, तो वो सारी डिसंगेज होने से सारा बाधित रहा है, वो चली गई है। और जब वापस आने के लिए तो क्वारंटाइन के इशूज़ हैं, कुछ कई तरह के समय जो है इसमें ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है, इसलिए थोड़ा डिले हुआ है। और अब जो उम्मीद है कि इसको हम कभी तक कोशिश पूरी करें।